तो फाइनली गाइस सेकंड ट्रेलर रिलीज हो चुका है स्पाइडरमैन नो वे होम का। और जैसे कि सब लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि तीनों यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को एक साथ इस ट्रेलर में दिखा दिया जाएगा, तो इस ट्रेलर में भी उन तीनों को नहीं दिखाया गया। तो गाइस शुरू करते हैं बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन। ये बात करते हैं टोबी मॉरगे एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में कि ट्रेलर में वो कहाँ हैं। तो सीधे सीधे आपको ले चलते हैं उस सीन पर जहाँ पर हमारा टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन सभी विलन्स का अकेले ही सामना कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमेशा से मार्वल वाले ट्रेलर में कुछ दिखाते हैं और मूवी में कुछ और ही निकलता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन यहाँ पर डायरेक्टली सैंडमैन से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर विलन्स किसी और से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि वो कौन है। दूसरी तरफ बात करें स्टेचू ऑफ लिबर्टी की लीक इमेजेस के बारे में, तो वो यहाँ बहुत ही ज्यादा मैच होती हुई नजर आ रही हैं। इन सभी सीन्स, इमेजेस और बहुत सारे लीक से ये श्योर हो रहा है कि मूवी में हमें तीनों स्पाइडरमैन दिखाए जा सकते हैं। लेकिन एंड्रयू गारफील्ड से जब इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, तो इससे पता लगता है कि वो किस तरह से फैंस का काट रहे हैं। बात करें स्पाइडरमैन के ब्लैक एंड गोल्डन सूट के बारे में, जो कि काफी कूल लग रहा है और जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिकल ब्रेसलेट से अपग्रेड किया हुआ है। बात करें इलेक्ट्रो की, तो उसने आते ही सारी की सारी इलेक्ट्रिक पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है ताकि वो स्पाइडरमैन को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सके। और यहाँ उसकी इलेक्ट्रिक पावर्स का कलर ब्लू नहीं बल्कि येलो दिखाया गया है, जिसका सीधा सीधा रीजन हो सकता है यूनिवर्स का चेंज होना। बात करें एमजे के नीचे गिरने वाले सीन्स की, तो ये हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के उस एपिक सीन की याद दिलाता है जिसने सभी फैंस को इमोशनल कर दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन एमजे को बचा लेगा, क्योंकि उसके बाद हमें अगले सीन में ही पीटर को एक अच्छी खासी किस मिलते हुए नजर आ रही है। अगर बात करें वेनम की, तो वेनम को भी इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, जैसे कि हमें वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। हो सकता है वेनम को फिल्म के लास्ट में दिखाया जाए। फाइनली बात करते हैं इस ट्रेलर के कंक्लूजन की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के बड़े फेलियर की वजह से स्पाइडरमैन के सभी यूनिवर्स के विलन्स एमसीयू के यूनिवर्स में आ जाते हैं, जैसे कि इन सभी विलन्स की डेथ स्पाइडरमैन के हाथों हो चुकी है और जो कि एक एब्सोल्यूट पॉइंट भी है। तो सभी विलन्स इस यूनिवर्स में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो शायद पीटर को भी भटकाने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगा कि तीनों यूनिवर्स के स्पाइडरमैन एक साथ दिखाए जाते हैं या नहीं, और वेनम को कहां दिखाया जाता है, जिसको देखने के लिए हमें अभी तो लगभग एक महीने का वेट करना होगा। तो गाइज ये था रिव्यू स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर का। अगर आपको मेरा रिव्यू जरा भी पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करना ना भूलें। साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेंगे। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।